हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज हमारे पास एक लैपटॉप है एचपी का, देख पा रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे एसएसडी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एसएसडी किस प्रकार से लगता है और किस प्रकार से हम इसमें लगाएंगे। इसका मॉडल है जैसे कि देख पा रहे हैं 15-DA0327TU। ठीक है, और सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज़ पूरा डिटेल यहाँ पास रहता है। तो इस पर आज हम लगाएंगे एसएसडी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ है। तो इसमें दोस्तों NVMe भी लग सकता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको इस प्रकार से पलट लेना है, और पलटने के बाद ये जितने भी स्क्रूज देख रहे हैं ये सारे स्क्रू को हमको ओपन कर लेना है। और ये रबड़ के नीचे में भी 3-4 स्क्रू रहता है, इसको भी हमको निकाल लेना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से ये खुल रहा है। इस प्रकार का टूल्स का यूज़ करना है, क्योंकि इस प्रकार का टूल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें स्क्रैच नहीं पड़ता है या कोई दाग नहीं छोड़ता है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सावधानी से ये जो है खुल चुका है। इस प्रकार से आपको भी खोलना है। तो ये बैटरी है दोस्तों, बैटरी का कनेक्शन आप चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ यहाँ काम करते वक्त जो है गलती से भी स्क्रू वगैरह उसमें गिर जाए और शॉर्टिंग ना हो। ठीक है, तो हम भी इसका सबसे पहले बैटरी को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है तो नुकसान भारी पड़ जाता है। अब हमारे लिए ये पूरी तरीके से सेफ़ है। ये देख पा रहे हैं यहाँ एक सॉकेट बना हुआ है जो कि M.2 NVMe का है, सिंगल स्लॉट। तो आप चाहो तो NVMe भी लगा सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क का जगह पे हम लगाएंगे 2.5 SATA SSD। ठीक है, तो इसको भी आप लगा सकते हो, हालांकि 2.5 SATA SSD किसी में भी लग जाता है हार्ड डिस्क की जगह। तो आज हम यूज़ करेंगे 128 GB का। तो ये दोनों अपने को SSD और हार्ड डिस्क दोनों पकड़ लेना है सेम, और सेम उसको खोल लेना है, क्योंकि इसका जो ये कैप है इसको सेम वैसा ही हमको लगाना है। ठीक है, ताकि वो जो लगने के बाद अपने जगह से ना हिले। तो इसको यहाँ लगा देते हैं, ये अपना लग गया है SSD। और NVMe, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, SSD और NVMe में थोड़ा सा डिफरेंट है प्राइस में, 300-400-250, अलग अलग कंपनी वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। जो NVMe है थोड़ा सा महंगा मिलेगा SSD की अपेक्षा। तो क्लाइंट का कहना है कि चलो SSD ही लगा दो साटा, तो हम उसको लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको, ये लग गया है, बैटरी भी लग गया है, हार्ड डिस्क को हम लगाएंगे बाद में, वो भी इस प्रकार से जो केसिंग आता है जिसको KD बोलते हैं, उस KD में हम इसको लगाएंगे, और ये हार्ड डिस्क भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। अगर अपन NVMe को यूज़ करते तो हार्ड डिस्क भी रहता और CD ड्राइव भी रहता, पर क्लाइंट को थोड़ा सा 200-300 महंगा लगा, इसलिए उन्होंने SSD करवाया साटा। चलिए ठीक है, अब फटाक से हम इसमें विंडो डाल देते हैं, क्योंकि हमने जो है हार्ड डिस्क को बाहर निकाल दिया है, अब हमारा डाटा लॉस होने का कोई खतरा, कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास इसमें जो SSD लगा है, और SSD को फ्रेश हम विंडो डालेंगे। ठीक है, तो विंडो आप बना लीजिएगा बूटेबल। तो ये हमारा विंडो डल चुका है, जो कि मैंने स्किप कर दिया है। तो देख पा रहे हैं ये जो है अपना SSD है, और ये पेन ड्राइव इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये अपना SSD देख पा रहे हैं, सिंगल ड्राइव दिखा रहा है, ये अपना अभी SSD है। अभी अपन इसमें देख पा रहे हैं KD में हार्ड डिस्क को लगा दिए हैं। अब इसको हम एक बार शट डाउन करके इसको लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारे ड्राइव प्रॉपर आया कि नहीं आया। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप भी कर सकते हो अपने घरों पर बैठकर।
ठीक है, चलिए लगाने के बाद इसको भी अपन पैक कर देते हैं। हालांकि हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया है पैक करने से पहले। ये क्लीनर है दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं, जो ये हमारा लैपटॉप वगैरह को बहुत क्लीन अच्छा करता है, बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन करता है। और एक साइनर भी आता है, तो मैं दोनों का लिंक जो है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, पुराना से पुराना लैपटॉप को जो है शाइनिंग कर देता है, ये बढ़िया चमका देता है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक बार अपन क्लीन कर दिए, महीना दिन बाद फिर एक बार क्लीन कर दिए, तो लैपटॉप हमारा सदा दिन चमकते रहता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको चालू करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा लैपटॉप हो गया है चालू, और मैं आपको एक बार ड्राइव में जाके दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं सारे ड्राइव, SSD भी दिख रहा है और जितना भी हार्ड डिस्क सारा दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।